बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बाब 10 हदीस नंबर 503। कितनी दूरी से जुमे के लिए आना चाहिए और किस पर जुमा वाजिब है? आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से रिवायत है, वह फरमाती हैं कि लोग अपने घरों और देहातों से जुमे की नमाज़ के लिए बारी बारी आते थे। क्योंकि वह धूल मिट्टी में चलकर आते, इसलिए उनके बदन से धूल और पसीना की वजह से बदबू आने लगती। चुनांचे उनमें से एक आदमी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आया। चूंकि आप उस वक्त मेरे घर में थे, तब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, काश कि तुम लोग इस मुबारक दिन में नहा धो लिया करो। फायदे: अवाली मदीने के ऊंचे हिस्से में 3-4 मील पर आबाद देहाती आबादी को कहते हैं। मालूम हुआ कि इतनी दूरी पर रहने वालों को शहरों शहर की मस्जिदों में जुमे के लिए हाजिर होना चाहे ज़रूरी नहीं। अगर ज़रूरी होता तो बारी बारी आने के बजाय सब के सब हाजिर होते।